नोएडा में अभी कुछ दिन पहले दो ट्विन टावर गिराए, सेम टेक्निक से गिराए जो ट्विन टावर न्यूयॉर्क में गिराए, सेम टेक्निक बिल्कुल डिटो। उसमें डायरेक्टेड फ्री डायरेक्टेड एनर्जी लगाई, यहां इन्होंने रिमोट कंट्रोल लगाया, इतना ही फर्क था। इसलिए उसमें मलबे में कुछ नहीं बचा, 9/11 वाले दिन वहां मलबे में कुछ नहीं था, यहां मलबा जो 3 महीने तक निकालेंगे वो मलबा इकट्ठा हुआ। मैं ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूं कि अगर ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं बताएगा, टेलीविजन बिल्कुल नहीं बताएगा, और उसका मूल्यांकन आप अपनी लाइब्रेरी में किताबें रख के बच्चों को पढ़ा सकते हो, सच्चाई बता सकते हो। जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमें झूठ का पुलिंदा जो शाम को टेलीविजन बहस करता है शाम को वो बताएगा, और आपकी अपनी लाइब्रेरी बताएगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। इसलिए आज जिस स्टेज में हम दुनियादारी में पहुंच गए हैं, वैसे में लाइब्रेरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उस लाइब्रेरी की जो आपको सच्चाई का रास्ता दिखाए, जो ट्रुथ, जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को आगे बढ़ाए और उसको ज्ञान को, आपका ज्ञान का वर्धन करे, इसलिए इस लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। अदरवाइज तो इस लाइब्रेरी बनाने का कोई तात्पर्य नहीं है। अगर आपने भी मेन स्ट्रीम मीडिया में रहना है, आपने रिलीजन के श्लोक पढ़वाने हैं लोगों से, बच्चों से, तो फिर इस लाइब्रेरी को बनाने का कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। जिसका फायदा सोच रहे थे आपको नुकसान करेगी, यही लाइब्रेरी आपको नुकसान करेगी। अगर आपने वही चीजें जो हमारे परिवेश में आ रही हैं उसी को ही अगर आपने बताना शुरू कर दिया, जो सच्चाई से दूर ले जाना शुरू कर दिया इस लाइब्रेरी के माध्यम से, फिर तो इसका कोई पर्पज ही नहीं सर हुआ, कोई मकसद नहीं है इस लाइब्रेरी का। इसलिए लाइब्रेरी बनाना बहुत जरूरी है आज के परिवेश में, जहां हम चारों तरफ से सुबह से शाम तक हम झूठ 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 और झूठ के सिवाय कुछ नहीं सुन रहे हैं टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया पे। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर ये मकसद से हम लाइब्रेरी बना रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। और लाइब्रेरियों का इतिहास रहा है दुनिया में, दुनिया को, समाज को चेंज करने में। अगर हम अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक बार डिस्ट्रिक्ट हिसार में रेड हुई, पुलिस की रेड थी, अंग्रेजों के टाइम की बात है। वो रेड जिसके घर में हुई, उसके घर में इतनी सारी किताबें थी, डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर थे वो भी कह रहे हैं यार ये आदमी कौन है, इसके घर में इतनी सारी किताबें जितनी तो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हिसार में नहीं होंगी। ये बात बहुत पुरानी है, 1920-21-22-23 की बातें हैं। और वो आदमी कौन थे? लाला लाजपत राय थे, जो ये प्रैक्टिस करते थे। LLB पास करने के बाद कुछ दिनों उन्होंने हिसार में प्रैक्टिस की है, तो उनके पास इतनी किताबें थी, खुद DC भी हैरान हो गए कि यार इतनी किताबें हैं इस बंदे के पास जो हमारे पूरे जिले के अंदर नहीं है। तो लाइब्रेरी का एक अपना है रोल है, जिन लोगों ने उन्होंने प्रोग्रेसिव की। आप दूसरा एग्जाम्पल भगत सिंह का देख लो, भगत सिंह जहां भी थे वो किताबें पढ़ते रहते थे, वो इतने स्पीड से किताब पढ़ते थे, मतलब वो सबसे वोरेसियस रीडर थे वो भगत सिंह। जब उनकी जेल होगी तो किताबें वो राजाराम के थ्रू जो वहां लाइब्रेरियन थे, वहां लाहौर में जो लाइब्रेरी थी उससे किताबें मंगवाते थे, पढ़ते थे, वापस करते थे, फिर मंगवाते थे, पढ़ते थे, बहुत सारी किताबें पढ़ दी उन्होंने इतनी छोटी उम्र में, 24.5 साल की उम्र में तो उनको फांसी हो गई थी। तो सबसे ज्यादा अगर किताबें पढ़ी हैं क्रांतिकारी आंदोलन में वो शहीद भगत सिंह ने पढ़ी है। और वही सेम लाइब्रेरी लाहौर से 1947 में वो चंडीगढ़ सेक्टर 15 में आ गई, द्वारकादास लाइब्रेरी सेक्टर 15 में आज भी है। और जो भगत सिंह ने किताबें पढ़ी हैं अपने अपने हाथों से उनके निकली हुई हैं, वो किताबें आज भी रखी हुई हैं वहां सेक्टर 15 चंडीगढ़ की द्वारकादास लाइब्रेरी के अंदर। तो इन किताबों ने भगत सिंह को कहां से कहां ले गए। आज लाखों लोग हमारे आंदोलन में शहीद हुए हैं, हम कुछ लोगों का नाम जानते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव और इस्पाकुल्ला, और ये थोड़े से लोगों का नाम जानते हैं, हजारों हजारों का नाम नहीं जानते। और उनमें हम इनका नाम बार बार क्यों लेते हैं, क्योंकि ये चिंतन के मामले में सबसे आगे निकल गए थे किताबें पढ़ पढ़ के, और उनको इतनी क्लैरिटी आ गई थी, इतना उनका चिंतन मैच्योर हो गया था कि वो उस क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे अगवा हो गए थे। कई बार तो हम उनको शहीद आजम भी बोलते हैं,
शहीद भगत सिंह को शहीद आजम, मतलब दुनियादारी के बहुत बड़े शहीद। तो ये एक द्वारकादास लाइब्रेरी थी जिसने भगत सिंह को भगत सिंह बनाया। लाला लाजपत राय अपनी लाइब्रेरी को इतना पढ़ पढ़ के कितना कुछ किया लाला लाजपत राय ने भी अपने टाइम में। तो ये लाइब्रेरियों का इतना रोल रहा है और लाइब्रेरी एक पॉजिटिव मूवमेंट चलाती थी उस टाइम। लाइब्रेरी एक अच्छा एक स्रोत था उनके लिए पढ़ने के लिए। और ऐसा ही कुछ मार्गदर्शक का रोल अगर आज हमारी लाइब्रेरी ये करेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये सारा जितना भी इन्होंने प्रोग्राम किया है, मतलब मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि हमारे गांव के लिए बहुत बहुत ही नवी चीज लगी मेरे को। तो अगर ये बच्चे अब निकल के आगे और इतना स्रोत लेके, इसकी प्रेरणा लेके इसको चलाएंगे और इसका मेंटेनेंस करेंगे, इसके कमेटी बना लेंगे, कमेटी का चेयरमैन होगा या सेक्रेटरी होगा, ऑफिस सेक्रेटरी होगा, उसमें किताबें कौन सी आएंगी कौन सी नहीं आएंगी ये भी जरूरी है, कौन सी किताब नहीं लेनी है ये बहुत जरूरी है। तो वो सिलेक्शन उस कमेटी के थ्रू होगा और कैसे कैसे उसको वो हम आगे इसको बढ़ाएंगे, तब जाके इस लाइब्रेरी का एक पर्पस सर होगा। वैसे इसका कोई फायदा नहीं होगा। वैसे अगर हम इसको वैसे ही कर लेंगे, यहाँ मतलब सारी तरह के टाइप का लिटरेचर आएगा तो वो ठीक नहीं होगा। कल तो पोर्नोग्राफी भी आ जाएगी इसमें और भी कुछ आ जाएगा जो हमारे टेलीविजन पे और इसमें मोबाइल पे आती है। इस तरह की चीजें हमें अवॉइड करनी है, रिलीजियस चीजें अवॉइड करनी है। वो जो हमारा ज्ञानवर्धक करे या कोई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात हो या और इस तरह की बातें हो तो ये बहुत जरूरी है। हमारे गांव का एक और इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, एक फ्रीडम मूवमेंट का। या हमारे एक यहाँ बुजुर्ग थे जो अंग्रेजों की फौज में थे, और सरदार राम था, जयसिंह के फादर। जयसिंह से मेरी आज सुबह ही बात हुई थी। उनको अंग्रेजों उस टाइम पहले वर्ल्ड वार में अंग्रेजों ने हमारे लोगों को भेजा वहाँ लड़ने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1919 तक हुआ, उसमें 74,000 इंडिया के लोग मरे थे और इससे डबल ऑलमोस्ट 1.5 लाख इंजर्ड हो गए थे। मतलब हमारे देश ने अंग्रेजों की लड़ाई लड़के दूसरे देशों में अपनी जान गंवाई। ऐसे ही दूसरे युद्ध में हुआ तो हमारे गांव के सरदार सिंह को एक अवार्ड मिला था, नाइट अवार्ड बोलते हैं, नाइट क्रॉस। तो हमारे गांव की इग्नोरेंस बताता हूँ मैं, वो पढ़ा रहा उनके घर, फिर बच्चे बच्चों ने देखा अगली जनरेशन में सरदार सिंह की डेथ होगी, उनको पता ही लगा ये है क्या। उन्होंने इस क्रॉस को, नाइट क्रॉस को जो उनको उनकी शहादत पे मिला था,